हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी मेरा शीन हॉल। मैंने रिसेंटली शीन से काफ़ी कुछ खरीदे हैं, जिसमें से दो ड्रेस भी है और भी कुछ कुछ है। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो ये एक ड्रेस है, और ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। और इसके साथ आपको जो है चारों तरफ टैसल मिलेगा, नीचे भी और हाथों के पास भी। तो ये जो ड्रेस है इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और इसका नीचे जितना भी घेर आपको मिलेगा एक अलग ही कलर मिलेगा। मेरे कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, तो आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लगता है। आप इसको एज ए ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हो, या फिर इसको आप अलग तरीके से आप पहन सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है और बहुत ही प्यारा है। दूसरा जो ड्रेस है वो ये जंपसूट है, और ये बहुत ही सुंदर सा एलिगेंट सा जंपसूट है, येलो मस्टर्ड कलर का। और साथ में आपको टॉप नहीं मिलता है, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो मैंने ये अलग से टॉप वाइट कलर का टी शर्ट लिया है और ये जंपसूट। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने देखा, तो मुझे लगा मुझे इसको बाय करना चाहिए। और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है, तो एक बार तो आपको ट्राई करना ही चाहिए इस तरीके का ड्रेस। जंपसूट का क्वालिटी जो है वो पॉलिएस्टर है, और टॉप जो है कॉटन है, तो इस विंटर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे पहनने में। दूसरा प्रोडक्ट मैंने लिया है ये फेक आईलैसेस। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसका रिव्यू भी मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा था। इसमें तीन डिफरेंस अलग अलग है, वॉल्यूम है, एक अच्छा सा ग्लैम वाला लुक है, और सेक्सी सा। मतलब इसमें अलग अलग आपको तीन मिलेंगे, सेम टू सेम नहीं है। और जब मैंने इसको ओपन करके देखा, इसका क्वालिटी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, तो मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसको मैंने अपने वीडियो में यूज़ करने के लिए लिया हुआ है। और चौथा जो प्रोडक्ट है वो ये ढेर सारे ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस मैंने लिया है। मेरे पास अच्छे क्वालिटी के ब्रश नहीं थे, तो फाइनली मैंने ये शीन से लिया है, और इन सब का क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसका ब्रशल जो है बहुत ही सॉफ्ट है, आपको मेकअप करने में बहुत ही आसान होगा, और बहुत ही अच्छा आपको ये रिज़ल्ट देगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है वो ये सिंगल सा एक कंट्रोल ब्रश है। मैंने जो ब्रश सेट लिया था उसमें कंट्रोल ब्रश जो था नहीं मिला मुझे, तो मैंने ये अलग से लिया है। और इसका क्वालिटी, इसका ब्रिशल जो है बहुत ही अमेजिंग है, और इसको अप्लाई करने में, यूज़ करने में ये बहुत ही बढ़िया होगा। मैंने इसका रिव्यू देखा था, और जब मैंने इसको रिसीव किया तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो एक बार आपको लेना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट है ये आईलैशेस कर्लर। तो मेरे पास ऑलरेडी था एक, तो मैंने सोचा ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है, तो मैंने इसको भी ले लिया, और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है। और सेवन नंबर जो प्रोडक्ट है वो ये है हेयर रेटेंगल ब्रश। ये बहुत ही अच्छा आपके बालों में ब्रश जब अप्लाई करते हो आपके बालों का, जितना भी रेटेंगल है उस सबको रिमूव कर देता है। अगर आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है तो आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ब्रश होना बहुत ही ज़रूरी है रिंगल्स को रिमूव करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो एक तो आप बाय ज़रूर करना। और मेरा लास्ट प्रोडक्ट है वो ये हैंडबैग। ये बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हैंडबैग ट्राई किया है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और इसका डिज़ाइन, इसका मटीरियल बहुत ही ऑसम सा है, इसका जो क्वालिटी है, जैसा लुक्स है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपने ऐसा बाय नहीं किया है अभी तक, तो एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये अलग सा है, अलग ही टाइप का है। ऐसा मैंने मार्केट में बहुत ही कम बैग देखे हैं, तो ऐसा आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही प्यारा सा बैग है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया।
आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। सीन के साथ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और प्रोडक्ट का प्राइस भी कुछ ठीक ठाक ही है। वैसे तो सीन में थोड़ा सा प्रोडक्ट का प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन ये सब जो है मैंने काफ़ी कुछ बजट में ख़रीदा है और बहुत ही अच्छा अच्छा चुन चुन के लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मिलती हूँ मैं अपने अगले एक अच्छे वीडियोज़ आप, तब तक के लिए बाय।